हिंदू मुस्लिम बामें सरकार बन जाते तो बहुत बेकार सरकार, बहुत झूठने वाली, बहुत झूठने वाली सरकार है। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सकती है? बिल्कुल बनेगी, 100%, इट मे बी श्योर एंड सर्टेन। ज्यादातर लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं, कम सकून से सोते तो हैं। कि इन गड्ढों से गुजरते हुए क्या दर्द होता है, इन गड्ढों से गुजरते हुए आप पलटे गुजरते हैं, बड़ा जानता है हमारा, क्या दर्द, रात रात भर खेत रखाने पड़ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में। जनपद पीलीभीत के बीसलपुर पीलीभीत के हाईवे की तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि गड्ढे युक्त ये हाईवे की तस्वीरें हैं। आपको बता दें 38 किलोमीटर लंबा ये मार्ग पूर्ण रूप से गड्ढे में तब्दील हो चुका है। लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक इस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि आए दिन हादसे का सबब बन रहे हैं। प्रतिदिन इस रोड से गुजरते हैं, उनके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि महीने भर में कई बार बाइक की सर्विस करवानी पड़ती है। इसके साथ ही इस मार्ग से गुजरने वाले बड़े वाहनों के आए दिन पट्टे टूटते हैं, छोटे वाहन हादसे का शिकार हो कि अभी हाल ही में सैलाब आया था जिसके बाद से इस मार्ग के हालात और भी ख़राब हो गए। आप देख सकते हैं ट्रक आ रहा है, कितनी उसकी रफ्तार कितनी कम हो चुकी है, इस मार्ग पर रफ्तार थम चुकी है। गड्ढा मुक्त सरकार का जो दावा हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़कों के हाल बुरे हैं, हालांकि कागजों में ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पास हो चुकी है लेकिन इस मार्ग के हालात गांव की गलियों से भी बुरे दिखाई दे रहे हैं। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं जो लोग निकल रहे हैं और किस तरह से इस मार्ग पर जो रफ्तार है वो थम सी जाती है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर प्रतिदिन गुजरने वाले लोगों को बैकबोन की भी काफ़ी समस्याएं हुई हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस मार्ग के जो हालात हैं उन हालातों को देखकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या लगता है, क्या 2022 का चुनाव जो होगा उसमें क्या ये गड्ढा युक्त मार्गों का कोई फर्क पड़ेगा। ये कहाँ से आ रहे हैं? मैं हमारे कानपुर से। आपने कानपुर से यहाँ तक आने में ऐसी कोई सड़क देखी जैसी जैसे आप गुजर रहे हैं? इतनी बुरी तो नहीं है जितनी बुरी है। पीलीभीत का विकास देख के क्या लग रहा है आपको? है विकास? विकास तो बिल्कुल नहीं लग रहा। खुश लग रहा है पीलीभीत से? नहीं भैया, ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। कहा जाता है कि जो सड़कें होती हैं, जो मार्ग होते हैं, वो जिले के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन ऐसे मार्ग क्या रीढ़ की हड्डी हो सकते हैं? अजय कुमार कश्यप, बहुत परेशानी होती है, डेली अप डाउन करते हैं। कहाँ से? टिकरी से बीसलपुर जाना पड़ता है, डेली अप डाउन करते हैं, एक्सीडेंट का चांस रहता है और जानवर उमर बहुत रहते हैं, इससे बहुत दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता है कहीं मुक्त हो। आपको नहीं? हमें नहीं। ऐसा है कि छः महीने से ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और पानी के बरसात में और गड्ढे गहरे हो गए हैं। इससे मेरा ये दावा है कि ये सरकार का यहाँ बीसलपुर की सीट है उस पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि विकास के अगर माना जाए तो बीसलपुर पिछड़ा हुआ है, तो आगामी चुनाव में असर दिखाई देगा? दिखाई देगा जरूर, दिखाई देगा। आगामी चुनाव में ये गड्ढे वाली सड़कें असर दिखाई देगा। कुछ लोग मौजूद हैं, शिक्षक हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ समस्या आती है इस गड्ढे वाली सड़क से गुजरते हुए। बहुत ज़्यादा समस्या आती है। क्या लगता है आपको? यहाँ आए दिन लोगों को जो है परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। परसों वाले दिन यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, एक सरदार जी थे वो गिर गए, उनके पैर में मोच आ गई थी। जी, तो इससे आए दिन हादसे होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी सड़क? यही है कि जल्दी से सही हो जाए और यहाँ पे मदरस कॉलेज और हमारे यहाँ बाला देवी रोशन लालेरी कॉलेज वालों ने स्पीड ब्रेकर की मांग की थी जो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावित भी है, फिर भी PWD उसको संज्ञान में ही नहीं ले रहा है। ब्रेकर ये लगातार आप गड्ढे देख रहे हैं, इससे ऊँचे ब्रेकर थोड़ी बन जाएंगे? नहीं, ब्रेकर के लिए क्यों? ब्रेकर के लिए डॉक्टर रतन गंगवार ब्लॉक प्रमुख की तरफ से कई बार भी लेटर जारी किया गया, इसमें अभी तक अधिकारी लोग मौन हैं। और कितने बड़े ब्रेकर लोग हैं? जो ब्रेकर ही तो हैं पूरे गड्ढे हैं। नहीं, ये ब्रेकर सर गड्ढे वाले हैं लेकिन वो ब्रेकर चाह रहे हैं। दो कॉलेज यहाँ पे, एक मदरस कॉलेज है, बलदेवी रोशनलाल कॉलेज है और सामने एक कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, तो बच्चों के आवागमन में काफ़ी असुविधा होती है, बच्चों के भी कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, जिस पर यहाँ प्रशासन मौन है। और इन गड्ढे में कल हमारे महाविद्यालय के शिक्षक भी फिसल गए थे, उनकी भी खरोंच आई थी। तो इन गड्ढों को मैं ये सोच रहा हूँ कि जिला प्रशासन ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इस सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने का प्रयास करें। एक बार तो मैं ही गिर गया बाइक से अपनी। क्या लगता है कि ये गड्ढे क्यों नहीं पटवाए जा रहे? क्या ये मोदी सरकार है ना, इसलिए नहीं पटवाए जा रहे हैं। तो मोदी सरकार खुश नहीं हो आप? अरे अब क्या करें,
मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं लगातार, अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी, गड्ढे सब गड्ढे मुक्त है सरकार। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आगामी जो चुनाव है उस पर असर पड़ेगा इसका? बहुत सारा असर पड़ेगा जी। जी मैं तो दूंगा नहीं वोट, मोदी को नहीं दूंगा, जबकि अगली बार मैंने दिया मोदी को, इस बार नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दोगे, क्या कारण है? यही कारण है कि देखो पेट्रोल देखो भैया, जबकि कोई दिक्कत नहीं, टंकी फुल है जी, क्या करें, 104 रुपए कर दिया लीटर जी। तो हम भी किसान हैं, समझदार हैं, आप भी तो वोट नहीं देंगे मोदी को, महंगाई नहीं है। अच्छा आप कहाँ रहते हैं भाई सर? हम बीसलपुर ही रहते हैं। बीसलपुर में विकास की बात की जाए तो? गाँव सिमरिया ताराचंद। बीसलपुर में विकास की बात की जाए? विकास बीसलपुर में विकास, रोजगार मिला युवाओं को? नहीं, कहीं नहीं मिला, हम खुद घूम रहे हैं। स्टेडियम बने बीसलपुर में? नहीं बने। चलिए भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? अब देखो जो अगले सरकार जो अच्छी होगी उसको देखेंगे, कांग्रेस। ये डूबती नाव पर सवार होने का प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ ही तमाम लोग और भी निकलेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि इन गड्ढों से गुजरते हुए क्या दर्द होता है, इन गड्ढों से गुजरते हुए आप पलटे गुजरते हैं। पिछवाड़ा जानता है हमारा क्या दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जी, बहुत परेशानी होती है। अच्छा गाड़ी की सर्विस? गाड़ी की सर्विस महीने में करानी पड़ती है जी। बेटा आप पैदल क्यों जा रहे हो, साइकिल है आपके पास? हाँ। पैदल क्यों जा रहे हो आप? पैदल इधर जा रहे हैं, रोड खराब है पानी में। तो रोड का सम्मान में पैदल जा रहे हैं या गिरने के डर से? भाई समय पोजीशन ऐसी है कि अगर हम उतरेंगे ना है, तो गिर भी सकते हैं। अच्छा देखो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, आपको क्या लगता है? योगी सरकार फिर बनेगी या हम वोट योगी ही सरकार को देंगे? अच्छा ये गहरे गहरे गड्ढे ये कोई भी सरकार आए इसे कोई नहीं रोक सकता, ये सरकार के ही गड्ढे हैं। अच्छा मतलब ये सरकार के गड्ढे, हर सरकार में ये गड्ढे हैं। और भी गहरे हो जाए तब भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। ये सड़क समाप्त हो जाए तब भी वोट देंगे? कैसे समाप्त हो जाएगी जी, जैसे इस समय हालत है? हालत है तो सैलाब रोज आता रहेगा, 6 साल बाद आया है। अच्छा ये इससे पहले नहीं हुए थे? 6 साल बाद आया है ना, 6 साल बाद ऐसी सड़क हुई खराब? हाँ इससे ज्यादा खराब हुई थी 6 साल बाद। 6 साल बाद अभी ये एकदम सैलाब से ही गड्ढे पहले नहीं थे? पहले नहीं थे, बिल्कुल गड्ढे नहीं थे, बिल्कुल गड्ढे नहीं थे, बिल्कुल हाईवे हाईवे सही था। लोग मजाक बनाएंगे आप? मजाक हमारी नहीं बनाएंगे, लोगों को खुद मजाक बनेगी, खुद मजाक बनेगी, लोग कहेंगे ये गड्ढे वो बरसों से देखते चले आ रहे हैं। गलत कहते हैं जी। जी ये आप बीसलपुर पीलीभीत हाईवे पर मौजूद हैं? हाँ हाईवे पर मौजूद। मदर्स पब्लिक स्कूल के जस्टी के पास का रास्ता है, यहाँ से आप रोज गुजरते हैं, ये हाई सैलाब आने से पहले ये मार्ग चमाचम था, बिल्कुल है? बिल्कुल चमाचम था, वहाँ पर था चमाचम, पहले कोई गड्ढे नहीं थे? नहीं बहुत थे गड्ढे, क्यों नहीं थे? ये कह रहे चमक रहा था हमारी, अरे चमक, ये हाईवे काफी थे, काफी बुरा है, उससे पानी आने से पहले भी बुरा था, ये बुरा था ना, किसी ये बता रहे गड्ढे थे। हम हमारा डेली यूज आना जाना है क्योंकि फील्ड का काम करते हैं, तो हम डेली रास्ते में आते जाते हैं, ऐसा ही था बस। तो हाँ एक गड्ढा था, हाँ याद आया, अरे तो हर एक सड़क पर होता है और होगा, कोई सरकार आ जाए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। हालांकि बीच में थोड़ा सा भरवा दिए गए थे लेकिन गड्ढे थे, रोड गड्ढे थे। नहीं आप ये कह रहे हैं गड्ढे थे, आप कह रहे हैं कि चमाचम बिल्कुल हाईवे था, अरे बस तो गड्ढे पर अमूमन बात करने से ये हालत और बुरी हो गई है। अभी इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो मार्ग था ये चमाचम, नहीं 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 ऐसा नहीं था, हाईवे था, ये इतना टुकड़ा वो कहते हैं पेट्रोल पंप से आगे से लेके और यहाँ तक का टुकड़ा खराबी है, सिर्फ वहाँ पर खराब था, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर तो ये अभी हुआ है सबसे ज्यादा गहरा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सकती है? बिल्कुल बनेगी, 100% इट मे बी श्योर एंड सर्टेन। हाँ ये इनको उनको बना के हम क्या करेंगे? किनको? अखिलेश को, अखिलेश मायावती को, अखिलेश यादव मायावती से क्या दुश्मनी? क्यों क्यों दुश्मनी? जातिवादी ना समाजवाद दिखाते हैं जातिवाद। अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया हाँ? देश हित में क्या किया? देश हित में ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर, इसके अलावा? इसके अलावा हर क्षेत्र में उन्होंने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं रखी है। किस क्षेत्र में? पेट्रोल महंगा करने में, पेट्रोल का उनके घर निकलता है जी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। तो मतलब कैसे महंगा? अरे तो महंगा जब अंतर्राष्ट्रीय हम दूसरे के यहाँ से लाए हम बेचेंगे तो हम आपको महंगा देंगे, शासन चलाने के लिए हर चीज चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब और क्या दिया, और क्या दिया बताओ, कुछ बताओ फैसले बताओ, सबसे बड़ा फैसला बताएं? हाँ ये भ्रष्टाचारी में जो 50-50 साल से नहीं जिनके अपॉइंटमेंट हो रहे थे फ्री में हो गए, कहाँ हर विभाग में
अच्छा नौकरी मिली है? अरे ये युवा इनसे पूछ रहे नौकरी मिली है? नहीं 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 नौकरी नहीं मिली सर है? अभी तक तो नहीं मिली है। हाँ बताओ। नहीं हमें ये बतलाओ। नहीं ये सरकार ने ये तो कहा था कि कहते नौकरियां मिलेंगी और भत्ता भी मिलेगा, पर ऐसा कुछ अभी नहीं आया। चार साल हो गए। हाँ चार साल भाई। मास्टरों की नियुक्ति हुई नहीं हुई? नहीं मास्टरों की नियुक्ति से क्या मतलब है, हम लोग भी तो बेरोजगार हुए हैं। हम लोग का भी तो कहा था, हमारा क्या हुआ? हमारा तो कुछ नहीं हुआ। नवासी में कांग्रेस की सरकार थी, बैन लगाया, हर विभाग को खत्म कर दिया। वो उन्होंने क्या किया हमारे साथ? ये लोग बता रहे हैं कि रेलवे प्राइवेटकरण कर रहा है, एयरलिफ्ट पर। अच्छा है जो 16-16 घंटा जैसे मर्जी से ले जाते हैं, प्राइवेट हो जाए बढ़िया रहेगा। हम कहते हैं रोडवेज प्राइवेट हो जाए बढ़िया। अच्छा है बिजली दफ्तर आपकी निजी चले, कम से कम चलाओगे तो बिजली दफ्तर प्राइवेट हो जाए। कोई नहीं, फैसिलिटी मिलेगी तो प्राइवेट हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लाइट अच्छी मिले, टाइमिंग जो उसका। हमको तुमने सर्विस में तो लगा दिया, हमने अधिकार अपना मान लिया, लेकिन हम जनता की सेवा हम क्या करते हैं? कौन सा 2 मिनट देते हैं जनता की सेवा हम? हैं खून चूसते हैं उसका। आप भी आओ। और ये जो कंप्यूटर वाला सिस्टम चला दिया है, इसमें बहाना उसका पूरा नोट पीते हैं। हाँ सही बात है। अच्छा ये रोजगार को लेकर क्या लगता है, रोजगार मिला है? सर, नो मिला। रोजगार सर कुछ लोगों को मिला है, लेकिन ज्यादातर लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। कम सकून से सोते तो हैं, टकाई दी देते बच्चे हैं, पैसा खोल लेते हैं डल्लम में से। कौन ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? अरे हम हमारा खोले गए, सही कह रहे हैं, अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। अच्छा ये हाईवे जो बता रहे थे चमाचम रहता है सर, आप देख रहे हैं हाईवे कैसा है, ये रोड इतनी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सुनो एक मिनट, ये रोड बना उस इंजीनियर को बुलाओ जो जिसने जैसे बांध दिया 14 किलोमीटर, इसमें कितनी पुलिया है? कहाँ पढ़ा है वो इंजीनियर? हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में पढ़ा है? ऐसे कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन ढूंढेगा, हु इज रिस्पांसिबल? आप बताओ हैं, कौन ढूंढेगा? आप जो आप जो कैमरे हमको कैद कर रहे हो, हम आपसे बातें पूछ रहे हो, ये जो रोड बना इस पर करेंगे नहीं करेंगे? अरे चलो जो पुल दिखा रहे बटुआ का, कहाँ आंखें फूटी हैं जब भाई तुला लेवल पानी है? नहीं नहीं बताने दो, बता लो जी बताओ। नहीं वो तुम सुई के नोक से निकालना चाहते हो, कितने बड़े तुम हो आप, क्या उस कुदरत से बड़े हो आप? जो बताओ योगी जी जो हैं उन्होंने देश हित में क्या क्या काम किए हैं? क्या काम किए अनहित में? क्या किया योगी जी ने ये हमको आप बताओ? बताओ भाई अनहित में योगी जी ने क्या किया? बोलो बोलो बताओ, बोलो बोलो ना आप बताओ। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने लगातार अच्छे कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, विकास की गंगा बहाई आप सामने देख सकते हैं। इसके साथ विकास आपको दिख रहा है, इतना अच्छा हुआ है देखो। आप बताओ, वो सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं? नहीं भाई कोई काउंट खोस है, बताओ। रात रात भर खेत रखाने पड़ रहे हैं, रात रात भर खेत रखाने पड़ रहे हैं भाई। पूछो इनसे खेत रखा रहे नहीं रखा रहे? खेत रखाने कतई ना है अपने आप सब। हाँ कहीं कोई समस्या आई? विड्राल 104 रुपए है भैया, 62 रुपए वाला क्यों खरीदा था? साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल के देखो, साइकिल चलाओ जी। हाँ कह रहे हैं आप मोटरसाइकिल? अरे जवान जमान है, मोटरसाइकिल चल के देखो। अब आप पेट्रोल की बात करते हैं आप? अब आप दिवाली जब बम्पर सेल होगी आई समझ, एक मोटरसाइकिल दुकान में रहे क्या खरीदत आप? क्या लगता है? अरे ये परेशान लोग हैं, ये क्या कहेंगे? ये योगी जी के भक्त हैं। अब कोनो ना खुद ये कह रहे हैं आप भक्त हो? अरे हम किसान भक्त ना है, हम भक्त ऊपर वाले के हैं, योगी जी हमसे पैदा है, हम योगी जी से ना है। अच्छा हाँ आप बताएं। अच्छा है योगी जरा, बढ़िया है, चल रही है, बढ़िया लग रहा है। रोड पे बाढ़ आ रही है, रोड तो बेकार हो गई। अच्छा ये पहले से खराब है अभी जल्दी खराब हुई है? नहीं अभी जो जल्दी से खराब हुई है, बाढ़ आएगी रोड तो खराब होंगी। अच्छा ये पहले से नहीं खराब थी? नहीं नहीं अभी पहले से खराब थी, इतनी खराब नहीं थी, बाढ़ आई और अधिक खराब हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे बाढ़ आती है चौमास के टाइम पे, इस टाइम पे तो अधिकतर रोड खराब हो जाते हैं। अब फैक्ट्री चलने वाली है, सभी रोडों की रिपेयरिंग हो जाएगी। पहले खराब थी? नहीं थी पहले, थी हल्की खराब थी, बारिश आने से और ज्यादा खराब हो गई है। बनती है वो तो आप खुश हो? हाँ सहमत। रोजगार मिल गया? रोजगार जो हमारे भाई हैं उन्हें मिल गया। SSC GD में हो गया उनका? SSC GD मामला हमारा भी है, हम बिजली विभाग में हैं। SSC GD उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना थी? नहीं नहीं वो जो केंद्र की थी जी। आप नहीं, हम तो इसी में काम करते हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं हम जी। रोजगार मिला है हमें अभी जल्दी, 1 साल पहले मिला है। तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार दिया है? हमें लग रहा है। तो ये तमाम लोग मौजूद थे, सबने अपने अपने प्रकार से
उपलब्धियां गिनाई, सभी ने अपने प्रकार से बताया। क्या नाम है आपका? हमारा नत्थूलाल। नत्थूलाल, आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करता। कोई समस्या तो नहीं होती खेती? अरे समस्या समस्या है। कैसे? डीजल जो आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, बताओ समस्या। खाद का भाई रेट बढ़ाए थे 245 रुपया, हमारे धान गेहूँ 1100-1200 में लुटियो। समस्या समस्या है सब। तो आपको क्या लगता है, आपकी जो उत्तर प्रदेश में 2022 में इसका कोई असर दिखाई देगा? अब देखो भाई, वो तो आगे पब्लिक की बात रही, बता हम तो भाई इसके पक्ष में ना है बीजेपी। ये तो एक हिंदू मुस्लिम बा में सरकार बन जाए तो बहुत बेकार सरकार, बहुत झूठने वाली, बहुत झूठने वाली सरकार है। इतना झूठा कोई सरकार है ना यार। अच्छा, इस मार्ग से आप गुजरते हैं, आपको क्या लगता है? मार्ग मान लो, मार्ग की तो पहले भी खराब होते थे, मार्ग अब भी खराब होते हैं, जल भराव कारण ज़्यादा खराब होते हैं। तो ये देखा, तमाम लोग मौजूद थे, तमाम लोगों ने बताया कि किस तरह से सड़कों के हालत जो हैं वो ख़राब हैं। कुछ लोगों ने इसका जिम्मेदार किसी को नहीं माना, कोई कहता है कि ये मार्ग जो हैं वो हमेशा चमाचम रहते थे, कभी ये ख़राब नहीं होते। बीसलपुर की जनता जानती होगी, जो प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं वो लोग जानते होंगे कि इस मार्ग पर कितने गड्ढे हैं और कितने गड्ढों का दंश झेला है। इन गड्ढों की वजह से कितने लोगों ने अपने परिवार के बच्चों को खोया है, ये वही लोग जानते होंगे जिनके साथ हादसे हुए हैं। लेकिन इस सड़क जो जर्जर हाल है, इस सड़क यस, 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 इसको आप किसके किसको जिम्मेदार मानते हैं सड़क के लिए? सड़क के लिए अब प्राकृतिक बरसात हो गई है, अप्राकृतिक बरसात के समय मौसम नहीं है बरसात का, रोड खराब हो गया है, ये सब सारा के बाद में ही खराब हुआ रोड। हाँ, बरसात से पहले तो लगभग अभी गड्ढा मेंटेनेंस हो रहे हैं, वहाँ पीछे से होके आ रहा है रोड। हाँ, बरसात के कारण हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये सड़क जो है वो हादसों का सबब बनती ही नहीं? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल। गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है सर? गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है? ये गड्ढे हैं और क्या, जो पानी उनी सैलाब उलाब जो रोड जहाँ पे खल्ला है वहाँ पे मतलब रोड वैसा होना चाहिए जरा। तमाम लोग थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। आप रोक लीजिए।